नमस्कार, मैं पूजा ऑल्ट न्यूज से। टाइम्स नाउ का एक प्रसारण सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है। इसमें एंकर राहुल शिवशंकर ये कह रहे हैं कि आईसिस केरला में हिंदू युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा है। चैनल ये दावा एक रेड कार्ड दिखाकर साझा कर रहा है जिसमें सिर्फ गैर मुसलमान लड़कियों का जिक्र है। I can't even begin, ladies and gentlemen, to tell you the kind of insidious fine print that is on this red card to convert Hindus, caste Brahmins. You have to pay 5 lakhs. You get paid 5 lakhs, ladies and gentlemen. और चैनल के हिसाब से इन लड़कियों को केरला में इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। सोशल मीडिया में टाइम्स नाउ का ये प्रसारण इस दावे के साथ वायरल है कि केरला में मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से शादी कर उन्हें विदेश में देह व्यापार के लिए बेच देते हैं। पर इस भड़काऊ दावे के पीछे का कारण है टाइम्स नाउ का 2 साल पुराना फर्जी समाचार, जिसे ऑल्ट न्यूज 2017 से हर साल पर्दाफाश करते आ रहा है, लेकिन टाइम्स नाउ ने अभी तक इस प्रसारण को नहीं हटाया है। दरअसल चैनल दर्शकों को जो रेड कार्ड दिखा रहा है वो लगभग 2010 की एक फोटोशॉप तस्वीर पर आधारित है। सिख एंड इस्लाम नाम के एक ब्लॉग पर यही रेड कार्ड जिसमें सिर्फ गैर मुसलमान लड़कियों का जिक्र है 5 फरवरी 2010 में अपलोड किया गया था। टाइम्स नाउ और सोशल मीडिया का दावा था कि ये रेड कार्ड खलीफा ने जारी किया है। The caliphate has put a price on your faith. पर अगर आप इसे ध्यान से पढ़े तो इसकी शुरुआत में लिखा है In the name of Allah, the most merciful, the most beneficiary. अंग्रेजी शब्द beneficiary का मतलब है लाभार्थी, यानी कि कोई ऐसा जिसे किसी चीज से फायदा हो। पर असल में ये मुहावरा होना चाहिए था In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अंग्रेजी शब्द beneficent का अर्थ है उपकार वाला, यानी कि कोई ऐसा जो दूसरों का भला करे। कोई इस्लामिक संस्था ऐसी गलती करे ये संभव नहीं है। पर इस कार्ड के ऊपर दिल के आकार की बनी एक छवि ये ठोस सबूत देती है कि ये फर्जी है। ये चिन्ह लेबनन के शिया उग्रवादी संस्था हिजबोला की है। तो टाइम्स नाउ का 2017 का ये प्रसारण कम से कम 2010 की एक फोटोशॉप तस्वीर पर आधारित है जिससे चैनल ने ये गलत दावा किया कि आईसिस केरला में हिंदू लड़कियों को बेच रहा है। टाइम्स नाउ की ये भड़काऊ खबर अभी भी सोशल मीडिया में फर्जी दावों को बढ़ावा दे रही है। टाइम्स नाउ जैसी बड़ी मीडिया संगठन का ऐसी सांप्रदायिक खबर को प्रसारित करना गैर जिम्मेदारी है और कई बार बताए जाने पर इसे नहीं हटाना निंदनीय है।